पहले तो सुदामा ने बहुत मना किया, जब पीछे पड़ गई सुशीला तो बोले चलो कोई बात नहीं जाते हैं, इसी बहाने पत्नी के बहाने ही मुझे कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन पगली तू ये नहीं जानती, तीनों लोगों के ठाकुर के पास जाने के लिए कुछ भेंट तो चाहिए। देखो गुरु के यहां भगवान के दरबार में कभी खाली नहीं जाना चाहिए, खाली नहीं जाना। किसी संत के पास जाओ, भले ही पुष्प लेके जाओ, किसी संत के पास भगवान के दरबार में और गुरु के यहां कभी खाली मत जाओ। तो सुदामा ने कहा भगवान के पास भेज रही है, कन्हैया के पास भेज रही है, तीनों लोगों के ठाकुर के पास भेज रही है, लेकिन तेरे पास तो भेंट देने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है, सुशीला क्या कर रही है? सुशीला ने कहा नाथ कोई बात नहीं, अरे ठाकुर ने जैसे मुझे रखने के लिए कहा, जिस तरह रहने के लिए कहा है, मैं वैसे रह रही हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो सब जानता है, उससे कुछ छुपा नहीं है, वो तो अंतर्यामी है। नाथ जो उसने दिया है, जो वो करवा रहा है, वही मैं कर रही हूं, मैं अभी व्यवस्था करती हूं। सुशीला गई और चार जगह से चार मुट्ठी चावल लाई और एक फटे हुए चिथड़े में बांध दिए। सुशीला एक ही घर से मांग ला सकती थी, लेकिन चार घर से क्यों लाई? इसलिए लाई कि हमारे पति जा तो रहेंगे रहे हैं कन्हैया के पास, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि ये मेरे पति कन्हैया से मांगेंगे कुछ नहीं, और जब तक वो जानेगा नहीं कृपा कैसे करेगा। तो सुशीला ने चार जगह चावल लिए, इसलिए कि कन्हैया जब खोलेगा और देखेगा, जब उसे चार जगह के चावल उसमें मिलेंगे तो वो पता लगा लेगा, जान जाएगा कि ये सुदामा बहुत निर्धन है, बहुत विपत्ति में है, बहुत संकट में है। सुशीला ने चार जगह के वो चावल बांधे पोटली में, सुदामा को दिए। सुदामा ने लिए वो चावल और बगल में दबाई पोटली और कन्हैया का ध्यान करते करते चल दिए। जय नंदलाला जय गोपाला रटते बारंबार, जय नंदलाला जय गोपाला रटते बारंबार। चावल की पोटली ले, चावल की पोटली ले, चले हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली ले, चले हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली ले, चले हैं मोहन के द्वार। मन सकुचात सुदामा जाई रहे, मन ही मन सकुचात सुदामा जाई रहे, क्या उनसे मांगूंगा मन उलझाई रहे, क्या उनसे मांगूंगा मन उलझाई रहे। वो सब जाने अंतर्यामी, वो सब जाने अंतर्यामी, सबका पालनहार। चावल की पोटली ले, चले हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली ले, चले हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली ले, चले हैं मोहन के गए बहु बार नहीं कुछ खाया है, बीत गए बहु बार नहीं कुछ खाया है, चलत चलत गए हार हृदय अकुलाया है, चलत चलत गए हार हृदय
फुलाया है। थक कर बैठ गए तरुबर तर, थक कर बैठ गए तरुबर तर, सो गए पैर पसार। चावल की पोटली ले चले हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली ले चले हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली ले चले हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली ले चले हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली ले चले हैं मोहन के द्वार। सुदामा कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, थक गए, एक वृक्ष के नीचे लेट गए, सो गए। कन्हैया ने देखा हमारा मित्र आ रहा है, थक गया है, जीर्ण शीर्ण दीन हीन मल और बहुत ही दिनों से भूखा, ऐसा हमारा परम सखा सुदामा थकने की वजह से सो गया है। कोई बात नहीं, गरुण को आदेश दिया, गरुण जाओ और हमारे सखा को जल्दी से लेकर के आओ। देखो जब हम हार जाते हैं जीवन में, जब हम थक जाते हैं समस्याओं से जीवन में, जब हमारे बस का कुछ नहीं रहता है, ध्यान रखना तब वो कृपा करता है जो किसी से न हो, वो उसके द्वारा संभव जीवन में हो जाता है। इसलिए सदैव उसका ध्यान रखना, उसका स्मरण कभी मत भूलना। सुदामा जब थक गए तो कन्हैया ने गरुण को भेज कर बुला लिया। सुदामा जी को नगर के पास ही, महल के पास ही छोड़ दिया। सुदामा जब जगे तो देखे द्वारिका में, ढूंढने लगे कन्हैया का महल। ढूंढते ढूंढते कन्हैया के महल के पास पहुंचे, द्वारपालों से कहा, द्वारपालों हम कन्हैया से मिलना चाहते हैं, हमारे मित्र से कह दो कि तुम्हारा सखा सुदामा तुमसे मिलना चाहता है। द्वारपालों ने देखा, अरे जीर्ण शीर्ण दीन जैसी दशा, कपड़े चिथड़ों के रूप में पहने हुए, ये हमारे तीनों लोगों के ठाकुर का मित्र हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। अरे तुम हमारे ठाकुर के मित्र? बोले नहीं, कोई बात नहीं, एक बार हमारा नाम उस प्यारे से बता दो, कोई बात नहीं। बहुत जब कहा तो द्वारपाल जाकर के कन्हैया के सिंहासन के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के बोलने लगे, महाराज कोई बहुत ही दीन दुखी दुर्बल, बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक ब्राह्मण आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ और आपसे मिलना चाहता है, आपको अपना मित्र बता रहा है और अपना नाम सुदामा कहता है, और जैसे ही सुदा कहा और मां कह पाता, द्वारपाल कन्हैया सिंहासन से कूद पड़ा, भाग खड़ा हुआ और जाकर के दरवाजे पर ही सुदामा को पकड़ लिया और अपने गले से लगा लिया। प्यारे ने मित्र, अरे इतनी ऐसी दशा तुम्हारी हो गई, तुम इतने दिनों तक कहां रहे? सुदामा को ले जाकर के कन्हैया ने अपने सिंहासन पर बिठाया, स्वयं सुदामा के नीचे बैठा, सुदामा के पैरों को लेकर के अपने गोद में रख लिया। सुदामा के पैरों की दशा देखी कन्हैया ने, कन्हैया के आंखों से आंसू निकलने लगे, एक भी जगह ऐसी नहीं, एक भी ऐसा स्थान नहीं जहां पर सुदामा के पैरों में कांटा न लगा हो, सारे पैर कांटों से भरे। कबहू हरे विप्र की बिमाइन को निहार रहे, कबहू हरे विप्र की बिमाइन को निहार रहे, कबहू पुनिकंटकन के जालन में जोए, कबहू लखी दीन गात व्याकुल भये हैं जात, कबहू लखी दीन गात व्याकुल भये हैं जात, अंकन लिपटावत ऐसे प्रेम जाल जोए,
पानी परात को ना हाथ सो छुओ है हरि, पानी परात को ना हाथ सो छुओ है हरि, नैनन के जल सो तुझके दो पग धोए, नैनन के जल सो तुझके दो पग धोए। कन्हैया ने जब सुदामा के पैरों की दशा देखी, पूरे पैर सब फटे हुए, जगह जगह पर पूरे पैर कांटों से भरे हुए। कन्हैया सुदामा के कांटों को निकालने लगा, एक निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, इस तरह सुदामा के सारे कांटों को कन्हैया ने निकाल दिया। लेकिन एक कांटा जो पैर के बिल्कुल बीच में लगा था, जब कैसे भी नहीं निकला, किसी तरह ही नहीं निकला, तो कन्हैया ने सुदामा का पैर उठाया और अपने मुंह में लगा लिया, और सुदामा के उस पैर के कांटे को कन्हैया ने अपने मुंह से निकाल दिया। जब ये दशा रुक्मिणी ने देखी तो रुक्मिणी की आंखें फटी रह गई। धन्य है कन्हैया, तू क्या नहीं कर सकता, तू क्या नहीं कर सकता, तू अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर सकता। कन्हैया ने सुदामा के पैरों को धोवा और सुदामा से कहा, मित्र लगता है कि आपने पिछली अपनी आदत को अभी छोड़ा नहीं है। सुदामा ने कहा, कन्हैया कौन सी हमारी आदत, अरे तुझे मालूम नहीं है सुदामा, तुम्हें मालूम नहीं मित्र, जब हम आश्रम में पढ़ते थे एक साथ गुरुजी के, तो गुरुमाता हमें चने दिया करती थी। एक बार गुरुमाता ने हमें चने दिए, तुमने अपने पास रख लिए। गुरुमाता ने कहा, दोनों लोग जाना वन में लकड़ी जब काटना, भूख लगे तो दोनों लोग इन चनों को खा लेना। सुदामा तुम चने तो लेकर के गए, पेड़ पर चढ़ गए और अकेले तुम चने खाने लगे, डाल में छुप कर कर। जब हमने पूछा, सुदामा ये आवाज कैसी हो रही है, तो तुमने कहा, कन्हैया कोई बात नहीं, सर्दी की वजह से दांत किटकिटा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तुमने वो सारे चने खा लिए थे, लगता है आज वही तुम दशा कर रहे हो हमारे भाभी के दिए हुए तंदुलों की। मुझे विश्वास है कि मेरी भाभी तुम्हें मेरे पास खाली नहीं भेज सकती, खाली नहीं भेज सकती, तुम जरूर कुछ छिपाए हो। ऐसा कहते हुए कन्हैया ने सुदामा के बगल में जो तंदुल दबाए थे सुदामा, उनको छीन लिया। कन्हैया ने खोली पोटली, एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने के लिए हाथ डाला, वैसे ही पकड़ लिया रुक्मिणी ने, हाथ पकड़ कमला कहा यह तो बताओ नाथ, हाथ पकड़ कमला कहा यह तो बताओ नाथ, हाथ पकड़ कमला कहा बिनती करूं मैं नाथ, यह तो बताओ आज उर में क्या आया है, खाकर मुट्ठी दो तुमने तंदुल की करुणा करन, खाकर मुट्ठी दो तुमने तंदुल की करुणा करन, निर्धन द्विलोक का बिहारी बनाया है, तीसरी मुट्ठी अब खाकर तीनों लोगों से बाहर जाकर, कहां बास करने का विचार मन बनाया है, रंक को कर दिया राजा बाके बिहारी तुमने, रंक को कर दिया राजा बाके बिहारी तुमने, स्वयं क्या भिखारी बनने का मन बनाया है, स्वयं क्या भिखारी बनने का मन बनाया है। और जैसी हाथ पकड़ा रुक्मिणी मैया ने, कन्हैया ने कहा, रुक्मिणी तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया, तुमने क्यों पकड़ा हाथ। अरे रुक्मिणी, जो अपना सब कुछ भूत्याग कर जो मेरी शरण में आता है, रुक्मिणी जो सब कुछ छोड़कर अपना मेरी शरण में आ जाता है रुक्मिणी, उसके लिए मैं अपना भी सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। रुक्मिणी तुमने बहुत गलत किया। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कन्हैया ने सुदामा के मस्तक पर तिलक किया, और जो छह श्री लिखा था सुदामा के मस्तक पर, कन्हैया ने अपने अंगूठे से उस छह श्री को यह छह श्री में बदल दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की।
अब कन्हैया ने सुदामा को सुंदर स्नान कराया, वस्त्र दिए, भोजन कराया और कन्हैया ने कहा सुदामा मित्र अब आशीर्वाद दो अपनी भाभियों को भी हमें भी। तो सुदामा के लिए आसन बिछाया और कहा सुदामा मित्र अब अपनी भाभियों को आशीर्वाद दो। तो सुदामा ने कहा भाभियों को? बोले हाँ भाभियों को। सुदामा ने कहा एक दो भाभी होंगी, दो तीन होंगी, कोई बात नहीं दे देंगे। तो सुदामा सबसे पहले रुक्मिणी आशीर्वाद लेने के लिए आई तो सुदामा ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। फिर लक्ष्मणा भद्रा सत्यभामा मित्रवृंदा जामवंती लाइन लग गई, लाइन टूटे ही नहीं। सुदामा ने देखा ही तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई। तो पहले तो सुदामा अखंड सौभाग्यवती भव कहते रहे और जब लाइन टूटी तो सौभाग्यवती भव और जब फिर भी नहीं लाइन टूटी तो भव भव। कन्हैया कहां तक लाइन है प्यारे, कभी टूटेगी कि भी नहीं? कन्हैया ने कहा मित्र ये सब ब्राह्मणों की कृपा है, आपका आशीर्वाद है। सुदामा ने आशीर्वाद दिया, कन्हैया ने सुदामा को विदा किया। कन्हैया ने जब विदा किया सुदामा अपने घर पे आए तो सुशीला खड़ी हुई थी, सबसे पहले उसी पे दृष्टि पड़ी। तो सुशीला तो पहले जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहने थी लेकिन अब तो ऊपर से नीचे तक जेवर से जड़ी हुई और जरी की साड़ी पहने। सुदामा पहचान नहीं पाए, बोले लगती तो आप ही जैसी थी लेकिन आप नहीं हो, बुरा मत मानना, लेकिन हाँ लगती आप ही जैसी थी लेकिन आप नहीं हो क्योंकि आप तो नीचे से ऊपर तक जेवरों से जड़ी हुई हो, जरी की साड़ी पहनी हो। अरे वो तो फटी धोती पहने हुई थी लेकिन स्वरूप में आप जैसी लगती थी। सुशीला ने सुदामा का हाथ पकड़ा और कहा पतिदेव मैं ही हूँ सुशीला तुम्हारी पत्नी, ये सब उस ठाकुर की कृपा है जिसकी शरण में तुमने अपने मस्तक को झुकाया था, जिसकी चौखट पर तुम गए थे, उसी की ये महिमा है, उसी की महिमा है। इस तरह कन्हैया ने सुदामा की दीनता का हरण किया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। उसके बाद श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं परीक्षित जी महाराज कुरुक्षेत्र में आए हुए अपने माता पिता से भगवान ने पूछा कि यदि आपके मन में कोई इच्छा हो तो बताएं हम पूर्ण करेंगे। तो वसुदेव ने कहा हमारी ये इच्छा है कि आपका स्मरण होता रहे। और देवकी ने कहा कि हमारे जो 6 पुत्र कंस ने मार दिए थे हमें उनके देखने की इच्छा है। तो कन्हैया ने उन पुत्रों का अपनी माँ को दर्शन कराया। उसके बाद श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि वसुदेव को राजा निमि और नव योगेश्वरों का संवाद सुनाया गया। तत्पश्चात दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा। यदु ने दत्तात्रेय भगवान से पूछा महाराज एक बात बताओ, आप संसार से विरक्त होकर के शांतात्मा होकर के विरक्त होकर के आप परम प्रसन्न होते हुए घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो दत्तात्रेय ने कहा महाराज हमने सबसे कुछ न कुछ सीखा है और उसे हमने आचरण में लाया है इसलिए हम प्रसन्न हैं। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा हमने सबसे पहला गुरु पृथ्वी को माना, उससे हमने धैर्य धारण करने की शिक्षा ली, वायु से हमने संतोष करने की शिक्षा ली, आकाश से हमने आत्मा की सर्वव्यापकता की शिक्षा ली, अग्नि से पवित्रता की शिक्षा ली, जल से शीतलता की शिक्षा ली कि सदैव शीतल रहो, चंद्र से घटना बढ़ना मरना और जन्म लेना ये शरीर के विषय हैं, आत्मा के नहीं है। जैसे चंद्रमा न तो घटता है न बढ़ता है, उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं, ऐसे ही आत्मा न तो कभी मरती है न कभी जन्म लेती है, ये शरीर ही मरता और जन्म लेता है। सूर्य से हमने परोपकारी होना सीखा,
कबूतर से आसक्ति मत रखो ये सीखा, अजगर से जो मिल जाए भगवान का प्रसाद समझ करके उसका भोग करो, समुद्र से सीखा कि सदैव गंभीर रहो, पतंगा से सीखा कि संसार में कभी फंसो मत, भ्रमर से सीखा कि सारे गुणों को जहां मिले जिससे गुण कोई मिले उस गुण को ग्रहण कर लो, हाथी से सीखा कि सन्यासी को काष्ठ की भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मधुमक्खी से सीखा कि संग्रह मत करो, मधुमक्खी शहद का संग्रह करती है जीवन भर लेकिन खाता कोई दूसरा है, इसलिए संग्रह कभी मत करना ये सीखा। हिरण से सीखा कि आसक्ति मत रखो, योगी को संगीत से दूर रहना चाहिए। मछली से सीखा कि स्वाद पर विजय प्राप्त करो, जीभ पर विजय प्राप्त करो, ये मतलब नहीं है कि हम कितना खा सकते हैं, हम कितना खा सकते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमें कितना खाना चाहिए ये महत्वपूर्ण है, ये बताया भगवान ने। पिंगला वैश्या से कभी निराश मत हो, संसार से कभी आशा मत रखो और परमात्मा से ही एक आशा रखो ये सीखा। कुररी पक्षी से सीखा कि अधिक संग्रह मत करो, बालक से सीखा कि भोले रहो सदैव सरल रहो क्योंकि सरल को ही परमात्मा प्राप्त होता है। कन्या से सीखा कि एकाकी सदैव एकांत, अधिक से अधिक एकांत वास करो। बाण बनाने वाले से सीखा कि चित्त की एकाग्रता रखो और अपने चित्त को एक परमात्मा में स्थिर रखो। सर्प से सीखा कि अधिक से अधिक अकेले विचरण करो। मकड़ी से सीखा कि अधिक संसार के जाल में मत फंसो। और भृंगी से सीखा कि कभी भूल करके भी कुसंग मत करो। इसके बाद भगवान ने उद्धव जी को ग्यारहवें स्कंद में ज्ञान का उपदेश दिया। उद्धव जी भगवान की चरण पादुका लेकर के वज्रिकाश्रम चले गए, उन्हें वहां सदगति मिली। और बारहवें अध्याय में राजाओं का कलयुग के वर्णन किया और कहा परीक्षित जी से महाराज कि यद्यपि कलयुग बहुत दोष युक्त है लेकिन इतना अच्छा है कि यदि जीव परमात्मा का स्मरण करे और उनके गुणानुवादों को सुने तो उसका क्षण में कल्याण भी हो सकता है। उसके बाद कहा कि परीक्षित जी महाराज और कुछ सुनना चाहते हो? परीक्षित जी महाराज ने कहा महाराज अब सब कुछ सुन चुका हूं। तो श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा परीक्षित जी महाराज अब अपने मन को तुम ब्रह्माकार कर, देखो मन में वही होगा जो आपके अंदर भरा होगा, बोलो वही तो अंत में होगा, अंत में वही निकलेगा जो अंदर भरा होगा, इसलिए कभी कूड़े करकट को अपने अंदर मत भरना, कभी मत भरना। एक व्यक्ति था उसे कपड़े बड़ा पसंद थे, कपड़े बहुत पसंद थे, तो उसका विवाह हुआ, नया नया विवाह हुआ तो ससुराल के लिए चला, पूरी अटैची भर ली कपड़ों से। रास्ते में उसका मित्र मिल गया, खेत में खड़ा हुआ, उसने पूछ दिया महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले ससुराल जा रहे, चलोगे हमारे साथ? उसने कहा हम तो खेत में, भाई खेत से कहीं चला जाता है और ससुराल में अच्छे कपड़े चाहिए, घर पे होते तो चलते। अरे कोई बात नहीं, ये पूरी बीफ केस कपड़ों से भरी हुई है, चिंता क्यों करते हो? अरे तुम्हारे पास यहाँ नहीं है, तुम हमारे पहन लो, चलो जल्दी से स्नान करो। वही स्नान किया उसने और उसी के वस्त्र पहन लिए, अपने ही वस्त्र पहना दिया, उसे ससुराल ले गया। ससुराल में अंदर पहुंचा तो सब सालियां साले सब आए, अरे जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, सबने बिठाला स्वागत किया और पूछा जीजा जी ये कौन है आपके साथ है, ये कौन? अरे बोले इन्हें नहीं जानते, ये तो हमारे बहुत अच्छे मित्रों में है, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते, बहुत अच्छे मित्र हैं, इतने सज्जन हैं ना कि हम बता नहीं सकते, और ये कपड़े पहने हैं ना ये हमारे ही पहने। उसने कहा देखो इसलिए बुला के लाए थे, इसलिए बुला के लाए थे। बोले कोई बात नहीं, गलती हो गई, भूल हो गई, परिवार बड़ा रहा होगा। तो अगले दिन दूसरे परिवार से निमंत्रण आया, जीजा जी थे ना, नया नया विवाह हुआ था तो बुलाया परिवार में, तो जीजा जी वहां भी पहुंच गए, उसको साथ लिए गए। तो फिर साले सालियों ने पूछा जीजा जी ये कौन है आपके?
अरे इन्हें नहीं जानते, ये तो हमारे इतने अच्छे मित्र हैं कि दुख सुख में हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। अरे क्या बताएं, बहुत अच्छे हैं। और ये जो कपड़े पहने हैं ना, ये इन्हीं के हैं, इन्हीं के हैं। उसने कहा ये भाई क्या कहने की जरूरत, इसलिए तुम पल पल पे अपमान करने की बनाए लाए हो हमें। बोले कोई बात नहीं, गलती हो गई, अब कुछ नहीं कहेंगे, अब कुछ नहीं कहेंगे। अगला दिन हुआ तो अगले दिन फिर परिवार में किसी ने बुला लिया, तो वहां भी पहुंच गए आप, वहां भी उन्होंने पूछा जीजा जी ये जो साथ में आपके आए हैं ये कौन है। अरे बोले इन्हें नहीं जानते, ये तो हमारे बड़े मित्रों में से एक हैं और हर क्षण हर समय हमारे साथ रहते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, क्या हम इन्हें बताएं, जो पूछो सब कुछ हम इनके विषय में बता सकते हैं, लेकिन इनके कपड़ों के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। ध्यान रखना, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तारगरी होगी, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तारगरी होगी, किंतु मुख से वही निकलेगी जो दिल में भरी होगी, किंतु मुख से वही निकलेगी जो दिल में भरी होगी। इसलिए प्यारे दिल में कभी कूड़े करकट को मत बिठाना, इस संसार के कीचड़ को मत बिठाना, अगर बिठाना है दिल में तो हमारे ठाकुर को बिठा लेना। जिस दिन अपने दिल में तुम मेरे ठाकुर को बिठा लोगे, इस व्यास पीठ से गारंटी करता हूं कि कभी तुम्हें दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इस संसारी तो दिल का दौरा डलवाता है, ये टेंशन ही तो दिल का दौरा डलवाती है। आज श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा परीक्षित जी महाराज ब्रह्माकार हो जाओ, अपनी शरीर से अलग हो, ऐसा सोच लो कि शरीर तुम नहीं हो, तुम शरीर से अलग हो। ऐसा कहते हुए श्री सुखदेव जी भगवान ने परीक्षित जी महाराज के सर पर हाथ रखा, और जैसे ही हाथ रखा परीक्षित जी ने सुखदेव जी भगवान की पूजा की। श्री सुखदेव जी भगवान ने अपना वरदहस्त श्री परीक्षित जी महाराज के सर पर रखा, और जैसे ही रखा वैसे ही परीक्षित जी इस संसार से मुक्त हो गए। बोलो श्री सुखदेव जी भगवान की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। मुक्त हो गए परीक्षित जी, जब तक कि तक्षक आकर के काटता परीक्षित जी महाराज मुक्त हो चुके थे। बोलो भक्त और भगवान की जय। परम भगवत भक्तों, आपने बड़ी ही शांति के साथ, बड़ी ही निष्ठा के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का श्रवण किया, इस कथामृत का रसास्वादन किया, इस कथामृत का पान किया, जब जीव के जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब श्री हरि कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन हम इतने गिर चुके हैं, हम इतने उलझ चुके हैं, इस संसार की बेड़ियां हमें इस तरह जकड़े हैं कि हम चाह करके भी भगवत मार्ग में चल नहीं सकते, या यूं कहें कि हमारे जन्म जन्मांतर के इतने पाप इकट्ठे हैं कि वो हमें सदमार्ग पर चलने नहीं देते। कुछ भी रहा हो, लेकिन जो आपने इस समय भगवत शरण में दिया, भगवत श्रवण में दिया, ये समय आपका रिजर्व हो गया, वहां लिख गया, एक एक क्षण का वहां हिसाब लिख गया, और इसका कोटि कोटि गुना फल आपको परमात्मा प्रदान करेगा। ऐसा कोई तीनों लोकों में नहीं है जो परमात्मा को न मानता, उसके विचार भिन्न हो सकते हैं, उसकी विधा भिन्न हो सकती है,
उसकी रास्ता अलग हो सकती है, उसकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन किसी रूप में माने परमात्मा को सबको मानना पड़ता है। वो कभी माने उसे मानना पड़ेगा और मानते हैं। अच्छा नहीं, परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, बाद में क्या कह रहा है, परमात्मा नहीं, तो नहीं की भी पुष्टि किससे होती है, है से, ध्यान रखना, है नहीं तो नहीं है, है कहो तो नहीं है, और नहीं कहो तो है, और है नाही के बीच में जो कछु है सो है। इसलिए नहीं की भी सिद्धि है के बिना नहीं हो सकता। आपने इतना अमूल्य समय दिया, कोटि कोटि साधुवाद के पात्र हैं आप, इस व्यासपीठ से आपको कोटि कोटि साधुवाद, और इस भगवत कथा श्रवण करने का जो अवसर हमें उपलब्ध कराया, ऐसे परम श्रद्धेय जो इस आयोजन के, इस परम पुनीत आयोजन के जो प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे परम श्रद्धेय श्री परीक्षित जी महाराज, श्री विनोद शंकर श्रीवास्तव जी, मैं इस व्यासपीठ से उनको कोटि कोटि साधुवाद देता हूं कि परमात्मा ने उन्हें अपनी शरण में अपने गुणगान का श्रवण करने का पात्र बनाया और उन्हें अवसर दिया। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा श्रीवास्तव जी को इस व्यासपीठ से मैं कोटि कोटि साधुवाद देना चाहूंगा कि वो ऐसे पति की पत्नी बनी और उनकी कोख से ऐसे सुपुत्र ने जन्म लिया जो धर्म की पताका को सारे विश्व में फैलाने के लिए आगे बढ़ चुका है। मैं व्यासपीठ से धन्यवाद देना चाहूंगा अभिषेक श्रीवास्तव जी जो बीएल फाउंडेशन के फाउंडर हैं। भगवान की कितनी कृपा उन पर है ये मैं शब्दों में नहीं वर्णन कर सकता हूं। ये तो जब परमात्मा उन्हें इस सदकार्य का, इस सदमार्ग पर चलने का जब उन्हें फल देगा तो सबको दिखाई देने लगेगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सब कुछ मंगल कर। अब मैं इस व्यासपीठ से साधुवाद देना चाहूंगा अभिषेक जी के अनुज जो लक्ष्मण की तरह शायद स्वभाव में हो या न हो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कार्य में तो हैं। उन्हें मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि इस परम पुनीत आयोजन में उन्होंने जिस कर्मठता, निष्ठा और विश्वास और श्रद्धा के साथ कार्य किया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी इन कृत्यों में, इन सुकृत्यों में और भी वृद्धि हो और दृढ़ संकल्प हो उनके अंदर उत्पन्न सदकार्य करने का, सदमार्ग पर चलने का और अपने बड़े भाई से कंधा मिलाकर उनके साथ देने का। इसी क्रम में मैं उनकी धर्म पत्नी अक्षिता, तो अक्षिता का मतलब होता है, अक्षिता का मतलब समझते, अच्छा व्यक्ति जो है या तो पक्ष में बोलेगा या विपक्ष में, दो ही तो चीजें हैं, या पक्ष में बोलेगा या विपक्ष में, लेकिन अक्षिता ऐसी है जो न पक्ष में बोलती है न विपक्ष में, वो बोलती है अक्ष में। यही परमात्मा मार्ग है, यही परमात्मा मार्ग है कि न जो अक्ष में, जो न विपक्ष में है और जो न पक्ष में है, जो अक्ष पे खड़ा है वही परमात्मा मार्ग पर खड़ा है। इसी के साथ मैं साधुवाद देना चाहूंगा श्री अभिषेक जी के चाचा श्री श्री वीरेंद्र शंकर श्रीवास्तव जी को, कोटि कोटि साधुवाद।
उनका संरक्षण हमारे श्री अभिषेक जी को प्राप्त हुआ, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ होगा, उनका निर्देशन, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उनको भी कोटि कोटि साधुवाद इस व्यासपीठ से। अगले क्रम में मैं साधुवाद देना चाहूंगा श्री जयशंकर श्रीवास्तव जी, वो भी चाचा श्री हैं हमारे श्री अभिषेक जी के, उनका भी मार्गदर्शन सान्निध्य और संरक्षण और आशीर्वाद अवश्य उन्हें मिला है, उनको भी इस व्यासपीठ से कोटि कोटि साधुवाद। इसी क्रम में मैं श्रीमती कोकिला देवी जी, जो बुआ जी हैं, अच्छा बुआ का मतलब समझा किसी, बुआ का मतलब, बुआ का इतना बड़ा अधिकार होता है घर में जो बिना बुलाए आ जाए, बुआ, बू माने बुलाया नहीं लेकिन फिर भी आ जाए। इतना अधिकार है ना उसमें, तो ऐसा अधिकार रखने वाली बुआ श्री को भी, जिनका सानिध्य और आशीर्वाद हमारे श्री अभिषेक जी को मिला हुआ है, उनको भी कोटि कोटि साधुवाद व्यासपीठ से। इसी क्रम में अगली संभवतः बुआ जी हैं श्री मीना देवी जी, वो भी, उनको भी इस व्यासपीठ से कोटि कोटि साधुवाद। और श्रीमती मिथिलेश श्रीवास्तव जी, वो भी बुआ जी हैं, अच्छा वो बता भी रही हैं कि हम बिना बुलाए आई हैं। तो ऐसी ही बुआ श्री को भी इस व्यासपीठ से कोटि कोटि साधुवाद। अगले क्रम में श्रीमती शीला श्रीवास्तव जी, वो भी बुआ जी हैं श्री अभिषेक जी की, उनको भी इस व्यास पीठ से कोटि कोटि साधुवाद। और भगवान से प्रार्थना कि सबके जीवन में परम मंगल करे, और उन सभी को कोटि कोटि साधुवाद जिसने एक क्षण का भी समय, किसी प्रकार का सहयोग इस परम पुनीत आयोजन में दिया है, इस व्यास पीठ से सबको कोटि कोटि साधुवाद, कोटि कोटि भगवान से मंगल कामना। और हमारे जय पारस चैनल के सभी कार्यकर्ताओं और मैनेजमेंट को, जो इस परम पुनीत कार्यक्रम को विश्व के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं, जय पारस चैनल के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी सदस्यों को, उनकी टीम के, उनके चैनल के, सबको कोटि कोटि साधुवाद, भगवान से मंगल प्रार्थना। और सभी श्रोताओं, सभी भक्तगणों को जिन्होंने इसमें अपना योगदान किया है, कोटि कोटि साधुवाद।